हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत सिंह। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोई भी स्क्वायर्स फ्रॉम 30 टू 80 कैसे फास्ट करना है इन 10 सेकंड्स और इवन लेस देन 10 सेकंड्स, राइट? सो अगले 5 मिनट के अंदर हम ये टेक्निक सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ऑलराइट। सो इन दिस केस ऑफ 30 टू 80 का स्क्वायर, हमारे को एक बेस लेना होता है। बेस इज बेसिकली 50, और 50 के अंदर हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा जो होगा, वेदर इट इज प्लस और माइनस, राइट, उसको हम एक्स बोलेंगे और हमें इसका स्क्वायर करना है, राइट? तो इट इज लाइक 50 प्लस और माइनस एक्स का स्क्वायर। सो बिकॉज ये यहां पर हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गेट टू ब्रांचेस। हमें यहां पर इसकी दो ब्रांचेस लेनी पड़ेंगी। लेफ्ट साइड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो 25 के साथ ऐड करना होता है, और राइट साइड में हमें उस एक्स्ट्रा पार्ट का स्क्वायर करना होता है। और एक लास्ट रूल है जो मैं एक दो बार रिपीट करूंगा कि यहां पर हम सिर्फ दो प्लेस तक ही डिजिट्स को एलोकेट कर सकते हैं। अगर दो प्लेस तक आता है तो उसको एज इज रखना है, और दो प्लेस से अगर ज्यादा आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से उसको बाकी जो डिजिट्स होते हैं उनको लेफ्ट ब्रांच में ऐड करने का है। तो लेट अस टेक 2-3 एग्जांपल्स टू get you that basic grinding of this. So let me take first number as 56 ka square. Agar aap 56 ka square karte hain to basically iske andar hum log extra part jo lete hain 50 plus 6 lete hain, right? Iska hame square karne ka hai. To let us take two branches. Left branch mein hum kya karne wale hain, 25 ke andar is extra part 6 ko add karne wale hain, aur right side mein is extra part ka square karne wale hain. 25 प्लस 6 क्या होता है, 31, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56 स्क्वायर इज 31 36। इट्स सो सिंपल, राइट? सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आई थिंक दैट आई एम श्योर, एंड इस बार आपको पेन टेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे की तरफ देखना है, मैं आपको दो हेल्प करूंगा। सो लेट आर यू रेडी फॉर दैट? ऑलराइट, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 57 का स्क्वायर। पेन टेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ बोर्ड पर देखना है, और अब बताओ इसका आंसर क्या है। आपके पास है 5 सेकंड्स। यू कैन सी यहां पर 50 में 7 का स्क्वायर है, एक्स्ट्रा कितना है 7, गुड। सो लेफ्ट साइड में क्या करना है, 25 में 7 ऐड करने का है विच इज 32, और राइट साइड में उसका स्क्वायर करने का है विच इज 49, और 57 का स्क्वायर आ गया 32 49, राइट? होप दिस इज क्लियर टू यू, श्योर? चलो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। व्हाट इफ अगर ये चीज इससे ज्यादा आए, ये दो प्लेस जो हैं इससे ज्यादा आए, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इफ अगर ये दो प्लेस से ज्यादा आएगा, तो देखो एग्जांपल देके बता रहा हूं। 61 का स्क्वायर, ये यहां पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो 11 आया है, लेफ्ट साइड में 25 में 11 ऐड करने का, राइट साइड में उस 11 का स्क्वायर करने का, और हमारा आंसर हो गया 36 यहां पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 121। नाउ प्लीज रिमेंबर, यहां पर हमें दो प्लेस एलोकेट करने हैं, तो राइट साइड में जो ब्रांच होगी उसमें हम सिर्फ दो प्लेस लास्ट टू डिजिट्स को ले सकते हैं, रिमेनिंग वन विल गेट कैरी फॉरवर्ड टू द लेफ्ट ब्रांच, और हमारा आंसर आ जाएगा 36 प्लस 1 इज 37, और यहां पर 21। सो अपना 61 का स्क्वायर हो गया 3721। आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा को ऐड कर देने का, राइट साइड में उसका स्क्वायर कर देने का, और स्क्वायर के बाद सिर्फ लास्ट टू प्लेस को रखने का है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, से 62 का स्क्वायर। 62 के स्क्वायर में 50 में हम 12 ऐड कर रहे हैं, में हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 37, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 44 को हम रिटेन करेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे, और हमारा आंसर आ गया 3844, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर यही चीज को हम, अगर दो प्लेस से ज्यादा आती है तो कैसे रखना है। अभी मैं प्लस के बारे में बात कर रहा हूं, लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट माइनस ऑल्सो। तो क्विकली डिस्कस कि अगर ये चीज प्लस की जगह पर, यहां पर दो प्लेस की जगह पर सपोज 2 से कम आए, यही जो जगह थी लास्ट, आप देखोगे कि ये वाली प्लेस में यहां पर 25 प्लस एक्स था,
यहां पर x स्क्वायर था, यहां पर जो दो प्लेस आ रहा है अगर दो से कम आएगा तो क्या करना है, राइट? सो लेट अस टेक वन एग्जांपल क्विकली, 52 का स्क्वायर, तो यहां क्या करना होगा, 25 में दो एक्स्ट्रा ऐड करना है और राइट साइड में दो का स्क्वायर करना है, तो ये तो आपको 27 हो गया, बट बिकॉज यहां पर आपको दो प्लेस ऑक्यूपाई करने हैं और आपको सिंगल डिजिट मिल रहा है, यू हैव टू पुट 10 अहेड ऑफ इट एंड आंसर आपका आ जाएगा 2704. एक और एग्जांपल, से दिस इज 53 का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में 25 प्लस 3, एक्स्ट्रा 3 है, तो राइट साइड में 3 का स्क्वायर और अपना आंसर आ जाएगा 2809. ऑलराइट, तो अगर आपने ये प्लस वाला पार्ट सीख लिया है तो क्विकली आपको मैं अब डिस्कस करता हूं, व्हाट इफ अगर ये चीज माइनस साइड में होता तो हम इसको किस तरीके से यूज करते. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, अगर ये माइनस साइड में होता तो किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. से हमारा नंबर है 42 का स्क्वायर, विच इज लाइक 50 प्लस माइनस, तो 50 माइनस 8 का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में 25 में 8 माइनस हो जाएगा और राइट साइड में माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर, हमें 2 का स्क्वायर नहीं करना है, माइनस 8 का स्क्वायर करना है. तो अपना आंसर जो बनेगा वो 17 यहां पर बनेगा, 64 ये बनेगा और अपना आंसर हो जाएगा 1764. इट इज सो इजी एंड आई होप नाउ यू विल स्पेंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स विद मी विदाउट टचिंग पेन, लुक एट मी एंड जस्ट रिस्पॉन्ड. सो आर यू रेडी फॉर दैट? ग्रेट. सो लेट अस टेक वन नंबर, से 43 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 3 नहीं है, एक्स्ट्रा हमारा माइनस 7 है, तो विच इज 50 माइनस 7, ठीक है? तो अपना लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 25 माइनस 7 और राइट साइड में माइनस 7 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 1849. ब्रिलियंट. सो आर यू रेडी फॉर द लास्ट वन? लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 57 का स्क्वायर, विच इज बेसिकली 25 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 22, यहां 9 आया, बट बिकॉज दो प्लेस चाहिए तो हमारे को एक सिंगल प्लेस पर नंबर लगाने का. आई होप यू फाउंड दिस इजी. सो जस्ट अ क्विक रिकैप देने के लिए मैं इन सब का एक टेस्ट लूंगा, राइट? सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर दैट. श्योर? ऑलराइट, सो 3 एग्जांपल्स दूंगा और 3 को एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहा हूं. यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 59, यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 51, यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 72, एंड यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 44. राइट, सो लेट अस टेक दीज एग्जांपल्स वन बाय वन. 59 स्क्वायर इज 25 प्लस 9 का स्क्वायर 3481. 51 का स्क्वायर इज 25 प्लस 1 का स्क्वायर 2601. 72 का स्क्वायर मींस 25 प्लस 22 47. 22 का स्क्वायर आपको आना चाहिए विच इज 484. 4 शिफ्ट हुआ तो 5184. और अगर 44 का स्क्वायर लिखना है तो माइनस 6 आएगा, तो 25 माइनस 6 इज 19 एंड माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, तो हमारा आंसर इज 1936. ये है स्क्वायर्स, एनीथिंग फ्रॉम 30 टू 80. आप पहले से प्रैक्टिस करें. द नेक्स्ट पार्ट आपको मैं सिखाऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली परसेंटेज चेंजेस के अंदर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के अंदर वो बहुत काम आएगा, विच इज 80 टू 180 का स्क्वायर, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. सी यू देन.